पूरे सारंगढ़ सहित दैनिक सब्जी बाजार में आज बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाया गया। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्त पूजा पाठ कर अपने सुखमय जीवन की कामना करते नजर आए। सारंगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती, जहां जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं सारंगढ़ दैनिक सब्जी मार्केट में भी सभी सब्जी व्यवसायियों द्वारा मिलकर हनुमान जी की मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बताया जा रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति सफेद संगमरमर का है, जिसे राजस्थान से लाया गया है, जिसकी स्थापना से पहले भव्य शोभा यात्रा निकालकर पूरे शहर में घुमाया गया, जिसके बाद हनुमान जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। वहीं इस पूजा में मुख्य यजमान बने ईश्वर देवांगन के फैमिली ने पूजा में बैठकर विधि विधान से पूजा पूर्ण कर मंदिर में ध्वजा चढ़ाया, जिसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हजारों लोगों को महाभंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं शहर के कई जगहों में स्थापित हनुमान मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर ये महापर्व है। इस हिसाब से हम लोग सब्जी मंडी वाले पूरे चिल्लर विक्रेता थोक विक्रेता सबके द्वारा मंदिर निर्माण किया गया है और भगवान का आज प्राण प्रतिष्ठा किया गया, भंडारा किया गया। पूरे भंडारा में सभी को आमंत्रित किया गया था। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, कहाँ से आप मूर्ति को मनाए हैं, किस तरह से उसका पूजा पाठ किया? मूर्ति राजस्थान मकराना से लेकर आए हैं। पूजा पाठ विधि विधान से श्री नीलकमल ओझा के द्वारा पूजन का कार्य किया गया है और हमारे जितने ग्राहक हैं, सब्जी ग्राहक जो देहात से आते हैं, आसपास के सारे देहात से आते हैं, वो आए हुए हैं। सराईपाली से भी आए हुए हैं, सिवरी नारायण से भी आए हुए हैं और सारंगढ़ के सभी जनता और आम नागरिक श्रद्धालुगढ़ आकर प्रसाद ग्रहण किए हैं। सर्वप्रथम मैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सारंगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ और आस पास के जितने भी लोग आए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए उन सभी को बधाई देता हूँ। सभी लोग अपने अपने मस्तक में चंदन लगाएंगे। सारंगढ़ से लगभग कोसी क्षेत्र से कोसी सिंघानपुर झरियापार आस पास 2-5 किलोमीटर के अंदर से प्राप्त सभी लोग आए हैं और सारंगढ़ के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, नगर पालिका अध्यक्ष लेकर पूर्व विधायक केराबाई मनहर, पूर्व विधायक पद्मा मनहर, घनश्याम मनहर, अमित अग्रवाल, प्राप्त जितने अविनाश पुरी सभी लोग यहां आकर प्रसाद ग्रहण किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।